अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शहीर वर्ल्ड एंड यू आर वाचिंग चैनल लाइव्स फॉर शहीर 03। वेलकम टू द न्यू व्लॉग, वेलकम टू द न्यू वीडियो। गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। शहीर शाफे सफ़ा डे ट्राई एट होम और दे आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज हम लोगों को ना जाना था एक शादी के अंदर। सुबह सुबह बच्चे उठे तो हमने उनको जो है ना नाश्ता वाश्ता करवाया, उनसे पूछा कि भाई कौन सा ब्रेकफास्ट करना है आपने, तो सबने अपनी अपनी डिमांड बताई। शहीर ने कहा कि भाई मैं तो अपनी फीडर वगैरह जो लेता हूँ वही लूँगा। सुबह सुबह ऑलमोस्ट मैं उनको अपना प्रोटीन मील देती हूँ और बच्चों के लिए और अपने लिए, सफ़ा के लिए और अपने लिए मैंने अपना मनपसंद ऑमलेट बनाया सफ़ा के लिए विदाउट हरी मिर्चों का, अपने लिए हरी मिर्चों के साथ, और शाफे ने जो थी वो मिल्क वाली ब्रेड की फरमाइश कर दी थी। तमाम तरह बच्चों का नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद उनको दिया और जो है वो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश किया, बाकी अपने घर के काम देखे। और जनाब आज तो हमें तैयारी भी करनी थी क्योंकि आज हमारा जो दिन था वो था वेडिंग अटेंड करने का। आज जो है शहीर के मामा के यहाँ पे उनके इन लॉस के यहाँ पे शादी थी तो हमें वहाँ जाना था, तो उसकी तैयारी भी करनी थी। और मैंने आपसे वादा किया हुआ था एक मैजिकल बेस जो है मेकअप बेस आपके साथ शेयर करूँगी, तो फिर वो भी आपके साथ शेयर करनी थी। ये था जी मेरा आउटफिट जो कि माशाल्लाह 4 से 5 साल तकरीबन होने वाला है, इसको पुराना हो गया है, ना इसका वर्क डल हुआ है ना ही इसकी कोई है ना कंडीशन डल हुई है, और जब पहनो जब भी न्यू लगता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये मैंने रेडीमेड ही लिया था और बहुत सबको पसंद आता है। और जनाब यहाँ पर है जी मैजिकल बेस जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इस तरीके से अप्लाई कीजिएगा। किसी भी ब्रांड का आप प्राइमर ले सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था मिस रोज़ की बहुत अच्छी रेंज आई हुई है, आप मिस रोज़ का कंसीलर और मिस रोज़ का फ्लोरेस स्किन जो है फाउंडेशन वो भी यूज़ कर सकते हैं अपने टोन के हिसाब से, जो भी आपको पसंद हो, बस एक एक ड्रॉप यूज़ करना है और मैजिकल रिजल्ट। आप उसके अलावा आपके पास कोई भी आप ना जो भी ब्रांड की स्टिक और कॉम्पैक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं वो ले लीजिएगा। मैं क्रिस्टीन फॉलो करती हूँ, क्रिस्टाइन को फॉलो करती हूँ, वो ले रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं आप वो ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने छोटे से अमाउंट में जो है ना प्राइमर निकाला, उसके बाद मिस रोज़ का कंसीलर जो है वो बिल्कुल थोड़ा से अमाउंट में इधर ऐड किया। आप चाहें ना तो उसको अंडर द आई जो डार्क सर्कल का एरिया ना उधर भी इस ब्रश की मदद से कवर कर सकते हैं। मैं इधर भी ले रही हूँ और जो है मेरे डार्क सर्कल थोड़े ज़्यादा हैं तो उस पर भी हल्का हल्का कवर कर लूँगी। फिर इसके अलावा ये जो इसकी वेट जो है फ्लोरेस स्किन का जो है फाउंडेशन है लिक्विड फॉर्म में, उसको मैंने थोड़ा सा लिया है, आप क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी आप ब्रांड की स्टिक यूज़ कर रहे हो ना, इसमें मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप कोई भी घर के अंदर स्टिक यूज़ कर रहे हो उसका थोड़ा सा पीस ना आपने बिल्कुल ज़रा सा ये मैं किसी चीज़ की मदद से इसके अंदर स्टिक का पीस भी ऐड करने वाली हूँ। आप देखें इस तरीके से आप पॉलर की तरह की बेस बना सकते हैं और हर कोई ना आपके बेस का फैन हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा सी बेस भी ले लिए वो यूज़ करेंगे और कॉम्पैक्ट को भी ना मैं थोड़ा सा ना झड़ाकर यानी खुरच कर यूज़ करने वाली हूँ और फिर इन सब को पानी की मदद से, और मेरे पास यहाँ पे बेस फिक्सर होता है, मेकअप फिक्सर होता है, उसकी मदद से तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से यकजा कर लूँगी, अच्छी तरह से ब्रश की मदद से मिक्स कर लूँगी। और फिर जनाब एक ब्रश की मदद से जैसे आप पेंट करते ना ऐसे पेंट करेंगे, पूरे फेस पे आपने पेंट करना है। और फिर वेट जो है स्पंज होगा आपके पास उसकी मदद से ना आपने पूरे मुँह पर टैप टैप करते हुए ना इसको मिक्स करना है, अच्छी तरीके से कोट करना है। यहाँ पर ना आपने मिक्सिंग का बहुत अच्छी तरीके से करनी है, जितना आप अच्छे से टैप टैप करके, बिल्कुल रगड़ना नहीं है आपने फेस के ऊपर, हल्के हाथ से टैप टैप करके मिक्स करना है। ऑल दो ये पानी और मेकअप फिक्सर से ही ना अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। ये आपके पास फिक्सर ना भी हो ना तो आप पानी से अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, आपका बहुत अच्छा जो है बेस बन के तैयार होगा। मैं यहाँ पे देखिए बहुत हल्के हाथ से ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है। और फिर जो है आपने वेट जो है ना स्पंज की मदद से तो ये ना इसको अच्छे तरीके से टैप टैप करते हुए
मिक्स मिक्स करना है। टोन देख रहे हैं आप, बिल्कुल मेरी जो भी चीज़ें हैं तमाम तर उसकी टोन जो है ना वो मेरी स्किन से मैच करती हुई है। आपने कभी भी ये नहीं करना कि आपने अपनी टोन से डल ले लेना या अपनी टोन से एक शेड बढ़ा के दो शेड बढ़ा के ले लेना, वरना फिर ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा ही मेकअप की एप्लीकेशन की हुई। उसके बाद आपके पास एक्वा ग्लैमर या किसी भी किस्म का लूज पाउडर होगा, वो अच्छे तरीके से लगाएंगे अपनी स्किन के ऊपर। बेस अच्छे तरीके से लगाने के बाद फिर उसके बाद आपके पास जो भी शेड की कंट्रोलिंग हो, आप उससे अच्छे तरीके से अपने नोज एरिया, अपने जो एरिया और अपने चिक्स को सबको कंट्रोल करेंगे। फिर इसके अलावा आप अच्छे तरीके से शिमर लगाएंगे जो भी आपको पसंद है, और अच्छी तरीके से ब्लशर लगाएंगे अपने टोन के शेड के हिसाब से। तो आपका मैजिकल और ज़बरदस्त सा पॉलर की तरह की बेस जो है ना बनकर निकल कर आएगी। उसके अलावा आप अपना मनपसंद आई शेड अप्लाई कर सकते हैं, लाइनर अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना मनपसंद जो है मस्कारा अप्लाई करके लिपस्टिक लगा के मेकअप को रन कर सकते हैं। आपकी बेस अच्छी होगी ना तो आपका पूरा जो ओवरऑल मेकअप है ना ज़बरदस्त निकल के आने वाला है। यहाँ पर जनाब हम पहुँच गए बच्चों को रेडी करके वेडिंग में, और फिर दुल्हन दुल्हन के पोज वगैरह हो रहे थे, बच्चे जो थे अपनी मस्तियों में लगे हुए थे और तमाम तर लोगों से मिलना जुलना चल रहा था, और जी बहुत मज़ा आ रहा था। पिक्चर्स वीडियोस वगैरह क्लिक करी बच्चों ने जो है अपने अपने जोन के अंदर, तमाम तर फंक्शन को इंजॉय किया। और यहाँ पर जनाब बच्चे जो हैं अपने अपने तरीक़ों से अपने अपने कज़न्स के साथ खेल लें। और आपको जैसा कि पता है कि मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि जो शहीद के कज़न हैं उनको जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं फिर हम उनको उनकी रील्स और उनके ब्लॉग्स में ऐड करते जाते हैं। यहाँ पर जनाब हमारे पास मौजूद है इब्राहिम जो कि शहीद के कज़न है, मामा के बेटे, वो यहाँ पर ब्लॉग के अंदर है। तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी देर के लिए उनको भी ब्लॉग के अंदर लेते हैं, वो अपने दादू के पास थे, तो हमने उनको उनके ऊपर भी कैमरा घुमा लिया और उनको भी अपने ब्लॉग के अंदर जो है वो ऐड कर लिया। और यहाँ पर जनाब ये बैठे हुए इब्राहिम अपनी मम्मा के पास, और शाही की मुसलसल मस्तियाँ जो हैं वो जारी हैं। कभी उनको बलून चाहिए, कभी कोई बाज़ार से चीज़ लेकर आ रहे हैं, और पूरी वेडिंग के अंदर ना इन्होंने बैठना नहीं होता, मस्तियाँ करती रहनी होती जब तक ये घर पर नहीं आ जाते। खैर मुझे परेशान तो माशाल्लाह माशाल्लाह करते नहीं हैं, अपने अपने कम्फर्ट जोन के अंदर खेल रहे होते हैं और फिर इनको मेरा जो है होश नहीं होता। और यहाँ पर जनाब हमने इंजॉय किया डिनर जो कि काफ़ी आइटम्स थे। यहाँ पर सब चीज़ें ना एक से बढ़कर एक जो है ना लजीज किस्म की थी, तो मैंने सोचा चलो यार खाने की ना सरसरी सी ब्लॉग के अंदर शमूलियत इख्तियार करते हैं, सरसरी सी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। और ये जो बिरयानी थी ना गज़ब की स्पाइसी, और चटपटी जो मसालेदार होती ना कराची लवर्स के लिए वो थी। सभी की मस्तियों के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। होप यू गाइस लाइक टुडेज फॉर टुडेज व्लॉग, विल मीट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। अपना अपने जाने वालों को अपने प्यारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। जिंदगी बखेर, कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस। स्टे ट्यून्ड। फाइनली फी मान अल्लाह।